नमस्कार अर्गस न्यूज रूम लाइव को स्वागत करुछी मुनि वेदिता दशो बंधु आमे बारंबार आपण को देखाइछु सेई चित्र जे किभळी भाबे चासी को धान मंडी रे दीर्घ दिन धरी पड़ी रहिछि गोटे पटे तुबी तोफान देखा दला समग्र राज्यव्यापी बीजेपी राजरास्ता को लेला कांग्रेस राजरास्ता को लेला विधानसभा रे होहल्ला देखिबा को मिलला विधानसभा को बारंबार मुलतवी करा गला ओ एई प्रसंग पई शेषरे नवीन निवास जीवा को पड़ा एसबु चित्र आम पूर्व देखी चंती तबे बड़ कथा आसुची जेतेबेले खोद मंत्री समवाय तथा खाउटी कल्याण मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई कहले जे प्रतिश्रुति देले जे खूब शीघ्र समस्त धान उठब जो माने योग्य से धान खूब शीघ्र उठिज किंतु कोटना कोठी तक प्रतिश्रुति बर्तमान प्रतारणा पलटी यह कहपे कहीं डेडलाइन थी 31 मार्च आज हूँ 31 मार्च आज शेष दिन किंतु वर्तमान सुधा सब चाषी धान उठी पार्लानी जमी आम आलोचना करवा जे डेडलाइन सर समस्या गलानी अर्थात आज हूँ 31 तारीख आज शेष दिन किंतु वर्तमान सुधा मुझको कही रखा चाहिए जे पाखापाखि 280,000 चाषी धान वर्तमान सुधा मंडी में पड़ रही तबे बड़ प्रश्न आसुची जो बड़ बड़ कथा मंत्री कहते मुख्यमंत्री समर्थन कले जो चाषी शेष बीजेपी को नवीन निवास जावाक पड़ा खोद मुखिया सहित तो आलोचना करने को पड़ा और प्रतिश्रुति रास्तु हटिले कि वर्तमान सुधा प्रतिश्रुति पूरण होलानी आम सीधा सख आपको चित्र देखू ग्राउंड जीरो को जी जे प्रकृत में जो प्रतिश्रुति दि जाइए चाषी को केते पूरण होती वर्तमान सुधा केते चाषी धान मंडी में पड़ रही से सबक नहीं आलोचना करम सहित कुचिंडारू आम प्रतिनिधि सौम्यरंजन धल जोड़ सहित झारसुगुड़ आम प्रतिनिधि सुरेन्द्र बारिक जोड़ से समस्त सहित आलोचना करवा प्रथमे सुरेन्द्र पाखक जावाक चाहिए सुरेन्द्र जो भी भाव सरकार डेडलाइन देते खोद मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई कही 31 मार्च सुधा सब चाषी धान उठब किंतु वास्तव स्थिति कौन कौन झारसुगुड़ा केते चाषी धान वर्तमान सुधा मंडी में पड़ रही केते धान उठिलानी आप विस्तृत भाव जानवाक चाहिए सुरेन्द्र देखो निवेदिता झारसुगुड़ा जिलार जो स्थित देखा जे चलित वर्ष रेकर्ड संख्यक चाषी पीपास रेजिस्ट्रेशन करते पाखापाखि 18,000 रु ऊर्ध चाषी से मैंने धान बिकवा पीपास रेजिस्ट्रेशन करते कि आज सुधा मात्र 16,000 चाषी से मैंने धान बिकि पारी एवं पाखापाखि आम पाखे जहाँ तथ्य अच्छे 2154 चाषी टोकन लैप्स होता रिजेनेरेट कराही तो झारसुगुड़ा जिले में जो चलित वर्ष खरीफ धान किणा बिका अव्यवस्था को लेकर आंदोलन तेजी थिला एवं उपांत अंचल कथा कहवा जो कनकतुरा कह NH-49 को पाखापाखि 5 दिन धरिकी चाषी मैंने ब्लक करते आंदोलन करते प्रशासन लिखित प्रतिश्रुति देवापर से आंदोलन उठे प्रशासन लिखित प्रतिश्रुति 31 मार्च सुधा समस्त चाषी जो पंजीकृत चाषी धान उठाजी बोली कितु ये गोटे सूचना देवाक चाहे चलित बर्ष आम जो खरीफ मार्केटिंग सीजन अच्छी खरीफ ऋतुपाई November 1 तारीख रु धान किणा आरंभ होता एवं आज 31 मार्च रे तार डेडलाइन सरुची मात्र किसी घंटा पर डेडलाइन सर तो चलित बर्ष जो पीपास अच्छी पेडी ऑटोमेशन सिस्टम रे समग्र राज्य कथा जो देखा 14,49,000 चाषी रेजिस्ट्रेशन करते जो विभाग अधिकारी मैंने जो भेरीफाए करते भेरीफाए संख्या हूँ 14,72,000 किंतु दुर्भाग्य कथा जे आज सुधा मात्र 11,92,000 चाषी धान किणा जाए भी 2,80,000 435 चाषी धान किणा जाए गोटे पटे विभाग मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई विधानसभा कथा कहतु कि विधानसभा बाहर से कहते जे 31 मार्च सुधा समस्त पंजीकृत चाषी धान किणाजी किंतु एवं सब बड़ प्रश्नवासी सृष्टि कर मात्र 16 घंटा समय बाकी अच्छी 2,80,000 चाषी धान किणाजी कि सब बड़ कथा है जी आम समग्र राज्यर स्थिति देखा तो गोटे चाषी पाखापाखि 53 क्विंटाल धान से सरकार को बिकुं तो जो 2,80,000 चाषी रही तो पाखापाखि 15,00,000 मेट्रिक टन धान सरकार किणवा कथा तो आम कहीपर जे राज्य में बर्तमान 2,80,000 चाषी 15,00,000 मेट्रिक टन धान बर्तमान भी घरे पड़ रही यहाँ रहा तो पंजीकृत चाषी संख्या जेहेतु चलित बर्ष बम्पर क्रॉप है तो अनेक जगह चाषी मैंने धान बिकि पार ना मिडिल मैन को बिकुं तो आम सहित जड़े स्थानीय लोक अच्छा कौन रही झारसुगुड़ जिलार स्थित सहित सीधा सड़क कथा आज्ञा झारसुगुड़े ये चाषी असंतोष नहीं अनेक थर आंदोलन है प्रशासन प्रतिश्रुति देला जे 31 मार्च सुधा सब धान उठाजी आउ 16 घंटा पर डेडलाइन सरुची कौन कह प्रकृति सरकार आंतरिकता नहीं कि चाषी प्रति
ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାଷୀ ହେଁ, ତାଲପଟିଆ ର ଚାଣ୍ଟାଙ୍ଗରପାଲିର ମୁଇଁ ଚାଷୀ ହେଁ, ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ। ମୋର ବି କୋଟା ଟୋକନଟା ଲ୍ୟାପ୍ସ ହେବାର ଉପରେ ଥିଲା। ବହୁତ କାକୁତି ମୁନୁଥିଲି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକରି, ଯେତେବେଳେ CSO ଆଉ ଆମର ସେକ୍ରେଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ସର ସେକ୍ରେଟେରୀକେ କରଲି ବେଲେ ରାତିର 11 ବଜେ ମୋତେ ତାର ମାନେ ରସିଦ କାଟିଲେ। ଆଉ ମୋର 63 କ୍ୱିଣ୍ଟଲ ଜାଗା ଥି 10-13 କ୍ୱିଣ୍ଟଲ କାଟି ଦେଇକିରି 50 କ୍ୱିଣ୍ଟଲର ତାର ମାନେ ମୋତେ ନେଲେ ଧାନ। ଧାନ କହିବାର କଥା ଯେଉଁ ଆପଣ 63 କ୍ୱିଣ୍ଟଲ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଥିଲା ପିପାସରେ, ତ 63 କ୍ୱିଣ୍ଟଲ ବଦଳରେ ମାତ୍ର 50 କ୍ୱିଣ୍ଟଲ ନେଇଛନ୍ତି, ବାକି 13 କ୍ୱିଣ୍ଟଲ ଆପଣ କେମିତି କଲେ? ବୋଲେ ସେ ହେଇଟା ତ କଥା କହୁଛେ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଖାଲି ଏଇଟା ମୋର କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ଝାରସୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଯେନ୍ ଚାଷୀ ଅଛନ୍, ସବୁ ଚାଷୀ ଯେନ୍ ମାନେ ପୁରା 17,000 ଚାଷୀ ଯେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛନ୍, ସେ 17,000 ଚାଷୀଙ୍କର ଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ହେ। ଯେତ୍କି ସରକାର ତ ଯାହା ଟୋକନ ସିଷ୍ଟମ କଲେ, ଟୋକନ ସିଷ୍ଟମଟା ପୁରା ଟୋଟାଲ ଫେଲିଓର ହେ। ସରକାର ଯେତ୍କି ଆମର ଧାନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛେ, ତାର ସେ ହିସାବରେ ଟୋକନ ଆମକେ ମିଲବାର ନାହିଁ। ଆମର ନା ଧାନ ଏତକା ବଲକା ପଡ଼ୁଛେ, ଧାନ ଆମେ ବାହାରେ ବିକି ନେଇ ପାରୁ। ଧାନ ମିଲ୍କେ ଯଦି ଆମେ ଧାନ ବିକି ଯାଉଛୁ ବେଲେ ସେନେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ ଯେ ତୁମର କଟନୀ ଛଟନି ହେବା, ତୁମେ ଏଖେନ୍ ଦିଅନି, ପଇସା ହେଉଛେ, ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛେ। ଆଉ ଯଦି ନାଇଁ ବିକିଲେ ମରଲୁ, ବିକିଲେ ମରଲୁ, ବାହାରି ମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଅଛୁ। ଆଉ କଥା ଅଛି ଯେ ସରକାର ଇ ଯେନ୍ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୋକନ ସିଷ୍ଟମଟା ଯେତେ ଦିନ ତକ୍ ମାନେ ନେଇ ଉଠାବେ, ସେତେ ଦିନ ତକ୍ ଚାଷୀକେ ତାର ମାନେ ଟଣ୍ଟି ଚିପିକିରି ମାରବାର ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହଉଛେ। ଆଉ ଆମେ ତିଲ ତିଲ କରି ମରୁଛୁ, ଚାଷୀମାନେ ତିଲ ତିଲ କରି ମରୁଛୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଚାଲିଛେ ସାଟ ଗାଁଟ, ତାର ମାନେ CSO ଅଫିସ, ମିଲର ଏବଂ ସରକାର କର, ସେଥିରେ ମାନେ ମଜା କରୁଛନ୍, ଏମାନେ କଟନି ଛଟନି କରୁଛନ୍, ଭାଗ ମଟା କରୁଛନ୍, କାଣା କରୁଛନ୍ କେ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏତେ ଭିତରକେ ତ ଢୁକି ନାଇଁ ପାରବାର, କିନ୍ତୁ କିଛି ତ ଗୋଟେ ଅଛେ। ତେଣୁ କରିକିରି ଆମେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ସରକାର ଏ ଟୋକନ ସିଷ୍ଟମଟାକେ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରୁନ୍, ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯାହାର ଯେତିକି ପ୍ରଡକ୍ସନ ଅଛେ, ସେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହିସାବରେ ସର୍ଭେ କରିକିରି ହଉ କିମ୍ବା ତାର ଅଲଗା ସିଷ୍ଟମ ବନେଇକରି ହଉ, ଚାଷୀକେ ତାର ପଇସା କେନ୍ତା ପହଞ୍ଚିଯିବା, ତାର ଘରୁ କେନ୍ତା ଧାନ ଉଠବା, ତାର ଗାଁରେ ଯେନ୍ତା ଧାନ ଉଠବା, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି କରବେ ବେଲେ ଚାଷୀ ମରବେ, ନା ତ ଏଇଟା ଚାଷୀକେ ମାନେ ମାରି ଦଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ତିଲ ତିଲ କରି ମାରୁଛନ୍। ଯେହେତୁ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ଧାନ କିଣାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଅଛି, 2,80,435 ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେମାନେ ଧାନ ବିକି ପାରିନାହାନ୍ତି, ତ ଆଉ ମାତ୍ର 16 ଘଣ୍ଟା ହାତରେ ସମୟ ରହିଲା, ତ ସରକାର କିଣିବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି କି? ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ତ ଏଇଟା ଠଗୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଠଗୁଛନ୍, ଠକ୍ତେ ଆସିଛନ୍, ଚାଷୀକୁ ମାରୁଛନ୍। ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ଯଦି ଦୃଢ଼ ମନୋବଲ ଅଛେ, ଯଦି ଆନ୍ତରିକତା ଅଛେ, ବେଲେ ଆଜି ନ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ତରଫରୁ ମୁଇଁ ଦାବି କରୁଛେ ଯେ ଆଜି ନ ସେ ଇତାର ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାର କରୁନ୍, ଆଉ ଆଉ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରୁନ୍, ନହେଲେ ଚାଷୀ ମରିଯିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ନିବେଦିତା, ଏଠି ଝାରସୁଡ଼ାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ତ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହୁଛି, ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେହେତୁ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଗୋଟେ ଭାସ୍ପୋର୍ଟ ମାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ବର୍ଷଠୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବେଶୀ ଧାନ କିଣାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ମାତ୍ର 10 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ହିଁ ସରକାର ଧାନ କିଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 12 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ଧାନ କିଣାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ 50 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାତ୍ର 14 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଟୋକନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ଆଜି ସେଇ ଚାଷୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଆମକୁ ଠକୁଛନ୍ତି, ଏ ଟୋକନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଲକୁଲ ଫେଲ ମାରିଛି। ତେବେ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ଖୋଦ ଚାଷୀ ତ ଅବହେଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଅବହେଳାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଧାନ ଏବେ ବି ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ସରକାରଙ୍କର କେତେ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହି ସ୍ଥିତି ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର, ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, କୁଚିଣ୍ଡା ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳ ସେଠାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ, ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅନେକ ବାର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଏବଂ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଧାନ ମୂଷା ଖାଇଲାଣି, ଧାନ ଗଜା ହୋଇଗଲାଣି, ଏସବୁ ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭା ଉଲୁସ୍ତୁଲ ହୋଇଥିଲା, ନବୀନ ନିବାସରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଲା, କେତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହୋଇଛି, କୁଚିଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି?
खूब शीघ्र जोड़ी हेबा आम प्रतिनिधि जी रही सौम्यरंजन सहित जोड़ी हेबा एवं देखा ताजा चित्र देखा स्थिति पर बड़ प्रश्न आसबाद सरकार कही 31 मार्च सुधा सब मंडी धान उठ जो चाषी मैंने रजिस्ट्रेशन कर धान उठा किंतु आज हूँ 31 मार्च अर्थात आज हूँ शेष दिन आउ हाथ में मात्र 16 घंटा रही सौम्य जीवा को चाहिए आपण को पाखो को जेमती हमें आलोचना करूथले जे मु आपण को ठारो जानिबा को चाहिबी सरकार जो कहिथिले 31 मार्च सुधा धान उठिबो आपण को लागुची संपूर्ण भाबे धान उठिची कुचिंडारु कुचिंडार स्थिति कोन कहउची सौम्य हनिहाती भाव प्रथम आपण को कुचिंडा उपखंड कथा कह कुचिंडा उपखंड आम अच्छे बर्तमान जमनक्रिया ब्लक्र जमनक्रिया मंडी में बर्तमान यही मंडी में पखापाखि 22,000 बस्ता धान पड़ी 200 रु ऊर्ध चाषी 22,000 धान बस्ता पड़ रही बेले सीधा सड़क चित्र देखा चाहिए मंडीर ये हूँ मंडीर दृश्य देखो मंडी में बर्तमान थाकी धान मड़ा है गदा उपर गदा धान अच्छी 22,000 यही मंडी में 22,000 धान अच्छी आज को तीन मास हैला एपली भाव यही मंडी में पड़ रही बेले आज पर्यंत धान उठेबार ना धरनी यही स्थान में बीजेपी पक्षर अनेक 24 घंटा ऊर्ध समय धरी रास्ता रोक होता शेष एवं जोगाण अधिकारी कर्मकर्ता मैंने आसते चाषी को बुझासुझा कर रास्ता रोक होता रास्ता रोक उठी अंपटे आज को अनेक दिन बीती धान उठी ना आम सहित चाषी अच्छा चाषी नेता अच्छा युव चाषी अच्छा आलोचना करवा जानवाक चाहिए बर्तमान मंडीर समस्या जितेबाला अच्छी अनेक उत्कट रूप देखा विभाग मंत्री कही आपण 31 मार्च सुधा धान उठ कि आज पर्यंत धान उठिलानी कौन रही समस्या ये मंडी में कौन कह आज्ञा आपड़ जो चाषी घर चाषी नेता जन अच्छा अंचल धान पड़ रही कौन कह बर्तमान कण कहमा ये सरकार तो गोटे स्थानु सरकार ये सरकार किसी आशा करवाटा मानते आम मूर्खामी कारण ये विभिन्न योजना ये करसी सब जिनटा करी बोलसी कितु किसी करेनी एंता बहुत उदाहरण अच्छे जेनटा कि आम देखल विजु जुव बाहन बहुत बड़ योजना कर 450 कोटी टाँह से इनभेस्ट कराला आम गरीबर पैसा के लुटिकी से जिन प्रकार ये कर चाषी जिन समस्या अच्छे 22,000 बस्ता धान पड़ी रही है आम मंडी इ प्रकार आई धान होगलान पड़ी मूसा तो बर्तमान भी आम मंडी अच्छे मूसा एवं भी से गदा मान के खुड़खा खाड़ी कर धान खाऊन बहुत दुखर कथा ये सरकार स्थानु सरकार ये कोमारे थिला भाया सरकार जेहेतु तो पवित्र आम विधानसभा गृह जेन प्रकार प्रतिश्रुति दिगला जे 31 तारीख सुधा आम समस्त रजिस्ट्रेशन चाषीर जेन लैब्स हो टोकन पुनर्जीवित करी आम से धान सब उठाऊ बोली जेन प्रतिश्रुति दे प्रतिश्रुति आज मान पानी गाड़ रही निवेदन शुणुते चाषी को प्रतिक्रिया दूसरे जे सरकार कि मंत्री प्रतिश्रुति देते प्रतिश्रुति आज पानी गार सदृश होते धान समस्या आसे कुचिंडार प्रथम धान समस्या आरंभ होता धान समस्या बर्तमान समग्र अंचल सारा पश्चिम ओडिशा कथा कहते समग्र ओडिशार धान समस्या देखा देखा मिली जितेबाद चाषी मैंने विभिन्न समय आंदोलन करती जो स्थानीय जनप्रतिनिधि कथा कहतु विभाग मानने मंत्री तथा विभाग कर्मचारी कथा कहतु आसी चाषी मान बुझासुझा करती कि परवर्त मुहूर्त जो कथा से कथा परिणत होता है किंतु वर्तमान जो कथा कह प्राय दुमास अनेक जो कुचिंडा उपखंड उपजिलापाल नाती चाषी तो गुहारी करेंगे तो गुहारी करेंगे क्या आम सहित आज जे चाषी अंचल चाषी अच्छे आलोचना करेंगे आज्ञा कौन कहे आपण जन अंचल चाषी जड़े आपण अंचल धान बर्तमान पड़ रही अंचल कौन कहे मंडी 22,000 बस धान पड़ी कौन कहे 22,000 धान पड़ रही है इतने कि चाषी धान किणवार लगे चाषी धान रिणवार लगे से अयोग्य है आ चाषी एवं मार्केट यार्ड से 31 तारीख सुधा धान उठे बोल कही 31 तारीख सुधा धान नहीं उठाला एटी अंडर रेट रे चाषी बिक्री करवा तार उपाय किसी नहीं न चाषी मेरुदंड भी भांगी जाइए आ सी एखे तार लोन छुटवार लगे भी अक्षम हो देखो निवेदन चाषी बर्तमान जो समय धान चाष आरंभ करता है धान चाष कलापर लोन करता है लोन कलापर धान चाष आरंभ करता है किंतु बर्तमान सबुत चिंताजनक विषय मार्च मस हो चाषी बर्तमान लोन सुझी पारे आपको रखा चाहिए सरकार डेडलाइन आज हूँ शेष तारीख हाथ में आउ मात्र 16 घंटा समय रहा एवं जदि 150 दिन में मात्र 12 लक्ष धान उठी पारी गोटे दिन में कौन 2,80,000 धान उठी पार कि चाषी प्रतिक्रिया नियंतु से माने आशा कौन रखुंत भी विश्वास रही सरकार आज तक धान उठाई ने
हाँ देखो जत आउ किछि मात्र 16 घंटा बाकी रही 16 घंटा जो सरकार डेडलाइन देते आज हूँ 31 तारीख मात्र 16 घंटा भितर चाषी को धान उठब कि ना चाषी समस्या रही सीधा सख चाषी सहित आलोचना करेंगे आज्ञा कौन कहे मंत्री कही 31 मार्च धान उठब आज हूँ सरकार शेष डेडलाइन 16 घंटा बाकी रही आउ अंचल 2 लक्ष धान पड़ रही है 2 लक्ष चाषी धान पड़ रही कौन कहे धान उठब भावुँ कौन आशा रखिंट जो किसी घंटा बाकी रहा देखो आमर विभाग मंत्री जेने पवित्र विधानसभा ने जेने ताने प्रतिश्रुति दे 31 तारीख भितर मुझे धान उठाई बोल कर देखो आ टाइम के 16 घंटा अच्छे जदि भितर से धान नहीं उठाऊन आमर दुर्भाग्य आम मुझे गोटे युव चाषी मोर दुर्भाग्य है मोर धान एखे भी मंडी में पड़ रही है देखुचु आम व्वेट कर किसी ना धान नहीं आम अंडर रेट बिकमु आओ धान बिक्री हम बोल आशा रखी ना कौन आशा रखी बर्तमान मंत्री तथा ओडिशा सरकार विभाग कर्मचारी कौन आशा रखी देखते मैंने तो आमको भुआ भूल आज एतक दिन ये कले कि आशा तो आम नहीं रखी बाध्य आम देखु आ कि समय पर कण आम डिसीजन बाध्य से खोजमु किए धान घिनबाजे निहाती भाव में शुणुते चाषी प्रतिका देते आउ आशा रखि ना सरकार धान किणवकर जदि जो 3 मास 4 मास धान उठी ना तो शेष 16 घंटार धान कौन उठब से नहीं चाषी चिंतार बेले चाषी मैंने बाध्य दलाल हाथ में कम दर में धान जो धान चाषी 18 टंका बिक्रुला से धान को बर्तमान चाषी 12-13 टंका भितर दलाल हाथ में बिकुच खाली यही मंडी कथा ना जदि गोटे मंडी में 22,000 धान पड़ रही है कुचिना उपखंड अनेक मंडी अच्छी मंडी जे वर्तमान सुधा कुचिंडारे पाखा पाखी 22,000 धान पड़ी रही वर्तमान सुधा चाषी को धान उठी पारिनी आउ हाथ में मात्र कई घंटा 16 घंटा रही सरकार को डेडलाइन सर को तबे खोद मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई मध्य सहित दलर मुखिया प्रतिश्रुति जे से चाषी चिंतित अच्छा चाषी समस्या बुझे चाषी समस्या दूर करेंगे जो मंडी में धान पड़ रही जो मैंने रजिस्ट्रेशन कर धान उठब कितु हाथ में कई घंटा रहा डेडलाइन सरुची कितु वर्तमान सुधा सरकार प्रतिश्रुति पूरण कले जो बड़ बड़ कथा खोद विभाग मंत्री रणेन्द्र प्रताप स्वाई कहते केते दूर वास्तव रूप नहीं स्थिति ही बयान करे समय सरी पूर्व आम सहित झारसुगुड़ प्रतिनिधि सुरेन्द्र बारिक जोड़ी धन्यवाद जनवि या सहित कुचिंडार प्रतिनिधि सौम्यरंजन धरज जोड़ी धन्यवाद जनवि समय सरी न्यूज रूम लाइव को नमस्कार।